इस पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका रिटर्न का होता है क्योंकि रिटर्न के अंदर आपके पास सबसे डिफिकल्ट मरहला भी ये है और इसी मरहले में मेजोरिटी ऑफ योर मेरिट इज ऑल्सो डिसाइडेड आपका मेरिट भी इस सेक्शन में डिसाइड होता है तो आप इस सेक्शन को कैसे क्रैक कर सकते हैं चलिए आज हम फिजिकल से स्टार्ट करेंगे फिजिकल का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिस्कस करके रिटर्न के क्राइटेरिया पर आएंगे और रिटर्न को डिस्कस करेंगे क्राइटेबल जीडी सेवन के जीडीन के, के नोट्स अब अवेलेबल नंबर मेरा नीचे रन हो रहा है आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे और हमसे नोट्स खरीद सकते जीडी सेवन और जीडी इलेवन के मैं आपको एक डेमो भी आज दिखाऊंगा पीछे स्क्रीन पर आपको मैं इंशाल्लाह आज हमारे नोट्स दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हमारे नोट्स के अंदर क्या 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 होता है हम आपको एक और बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं जो कोई और नहीं करता तो इसी के साथ आगाज करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फिजिकल की डेट पर शो अप करेंगे आपको आपके

इस बेसिक फिजिकल क्राइटेरिया को पास करने के बाद आपका होगा रनिंग का टेस्ट रनिंग का टेस्ट हो सकता है उसी दिन हो जाए, हो जाए, हो सकता है, उसके अगले दिन हो 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 जाए जाए सकता है अगले क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो इसको केटर करने के लिए मैनेज किया जाता है ये सेंटर पे आपके डिपेंड करता है आपका रनिंग का टेस्ट होगा वन पॉइंट किलोमीटर का लड़कों के लिए टाइम करना होता है आपने आठ मिनट के अंदर आपको हम रिकमेंड करते हैं आप सात मिनट में कंप्लीट करें और लड़कियों के लिए होता है दस मिनट में बहुत आसान होता है चल के भी करेंगे तो हो जाएगा आफ्टर पासिंग योर फिजिकल रनिंग टेस्ट क्योंकि आपका आपका सिर्फ running का का होता है, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं, अब आपने अपनी को पास कर लिया, इसके बाद होगा इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर का भर्ती के प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये तो आइए इस अब आप, आप नजर डाल दें आपका जो पेपर होगा रिटर्न का वो होगा एक सो मार्क्स का पेपर इट विल बी ऑल एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है इसके अंदर आपके एस एस भी इंक्लूड हो जाए इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स ऑन सेंटर्स इसी के साथ आपका एग्जाम का आगाज होता है सो मार्क्स का आपका पेपर है अब इस सौ मार्क्स के अंदर आपके कौन कौन सा सेक्शन आता है तो जनाब आपका मेजोरिटी ऑफ योर सेक्शन इज इंग्लिश एंड कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर और इंग्लिश के आपके मेजोरिटी ऑफ सवाल आते हैं उसके बाद बकिया सवाल आपके जनरल नॉलेज के होते हैं इस्लामिक स्टडीज के होते हैं पाकिस्तान स्टडीज पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स और एक ओवरऑल एवरीडे साइंस के भी आपके सवाल आ जाते हैं बेस्ड ऑन योर एजुकेशन आपके सवाल होते हैं जिस ल, लेवल के आपकी एजुकेशन होती है उस लेवल के सवाल होते हैं आपके कंप्यूटर के बेसिक सवाल होते हैं इंग्लिश के बेसिक सवाल होते हैं जनरल नॉलेज बहुत बेसिक होता है अगर आप इस्लामियात वगैरह पढ़ते रहे हैं तो आपका इस्लामियात के ऊपर भी ग्रिप इस्लामियात के टॉपिक पे अच्छी होगी हाँ अलबत्त अगर आपको रिपीटेड सवाल चाहिए एग्जैक्टली वो सवाल चाहिए जो पेपर में आते हैं नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है पास पेपर से हमने सारा डेटा इकट्ठा करके ये नोट्स हमने बनाए हैं आईबीजीडी 11 जी 7 इलेवन सेवन के लिए आपको मैं ये नोट्स दिखाता भी चलता हूं इन नोट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे एमसीक्यूज यहां पर आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ राइट नाउ सेवन 47 पेज फोर्टी 47 सेवन पेज से अब मैं जा रहा हूं अपने सोवें पेज पे इतने सारे हमने एमसीक्यूज इंक्लूडिंग आपके ऐसे टॉपिक्स इंक्लूडिंग आपके इंग्लिश टू उर्दू उर्दू टू इंग्लिश एक एक चीज मैंने यहां पर आपके पास रख दिया इंक्लूडिंग तो आपकी यहां पर तैयारी मुकम्मल इनशाला हमारे नोट्स के थ्रू हो जाएगी सारी डिटेल्स यहां पर दी हुई है 500 के अंदर हम आपको ये नोट्स ऑफर करते हैं ऑल योर डिटेल्स एंड क्वारीज विल बी आंसर्ड फॉर थ्रू दीज नोट्स आप इन नोट्स के थ्रू तैयारी करेंगे आपकी तैयारी मजबूत होगी हमसे एक दफा नोट्स खरीदते हैं देन यू आर एलिजिबल के उस इम्तिहान के साइकिल के अंदर कोई भी पास पेपर हमारे पास आता है या कोई उस दिन का पेपर आता है तो हम उसको सॉल्व करते हैं और आपको हम गाइड करते हैं कि आपने हर तीन चार दिन बाद हमें कांटेक्ट करता रहना पूछना सर इस डेरा न्यू अपडेट क्या कोई नई अपडेट आई है पोस्ट से डिपार्टमेंट से मुतल तो हम आपको वो सारी अपडेट मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमसे एक दफा नोट्स खरीदते हैं दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू आप अपनी तैयारी को इसके थ्रू मजबूत कर सकते हैं सो so मार्क्स का पेपर आपका होता है जनाब इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ सेक्शन इंग्लिश और आपका मेजोरिटी ऑफ एक्शन कंप्यूटर का होता है सारा डिटेल्स मैंने इसके अंदर डाले हुई है कंप्यूटर की इंग्लिश की थाउजेंड एमसी की मैंने के यहाँ पे डाले हुए हैं आप उन सबको एक्सेस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं इसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे साथ सवाल भी था कि सर ऐसे से रिलेटेड क्या सारा क्राइटेरिया क्या ऐसे सिलेबस का हिस्सा है तो जी हाँ ऐसे भी सिलेबस का हिस्सा है जो सेक्शन है बेसिकली इट डिपेंड्स आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है और एट द मोमेंट कौन कौन से पेपर चल रहे हैं आप ऑफकोर्स एक सेंटर से दूसरे सेंटर का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऐसे के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं ऐसे को भी बीच में कभी कभी इंक्लूड कर लिया जाता है उसी के साथ उर्दू टू इंग्लिश इंग्लिश टू उर्दू आपकी ट्रांसलेशंस भी एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है आपके पेपर का तो बेसिकली आपका जो पूरा पेपर है उसके अंदर जो जो कुछ है वो यहां पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है आप हमसे वो सारी डिटेल्स मैसेज करके हमसे ले भी सकते हैं इसी के साथ आपने अगर अपना रिटर्न पास कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा वायवा होगा आपका इंटरव्यू हो वाले दिन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी कंडक्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपकी मनफी सोच को देखा जाता है क्या आपकी नेगेटिव सोच तो नहीं है क्या आपकी पॉजिटिव सोच है उसी के साथ साथ देखा जाता है कि क्या ये एक इंसान ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं है क्योंकि जनाब अगर आपने एक डिपार्टमेंट में सर्व करना है कंट्री को आपने मुल्क को सर्व करना है मुल्क के लोगों को सर्व करना है तो ये ज़रूरी है कि आपकी सोच इस तरह की हो कि आप बाकी लोगों को कबूल कर सको लोगों की बात सुन सको आपका काम ही लोगों के साथ इंटरेक्शन वाला होगा तो बेसिकली इसके अंदर आपकी पर्सनलिटी के अंदर इन चीजों को देखा जाता है और आपको हम पर्सनलिटी टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं नोट्स के साथ तो जनाब आप पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं योर इंटरव्यू इंटरव्यू इज वेरी इजी इंटरव्यू में सिर्फ उन लोगों ने देखना होता है कि कोई या ये कैंडिडेट हमारे लिए काम का होगा फ यू शो दिन आप एक काम के आदमी हैं आप वो बात करते हैं जो टू दॉइंट है आपके पास एडुकेट नॉलेज है आप बात करना जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छी फॉर दी आई बी जी डी सेवन और जी डी इलेवन पोस्ट विच एवर यू है post, for, जो सी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे इसके बाद एक फाइनल मेरिट आपका बनेगा फाइनल मेरिट के बाद आपका एक फाइनल मेडिकल कंडक्ट करेगा डिपार्टमेंट आफ्टर दिस फाइनल मेडिकल एज सुन एज यू पास दिस मेडिकल आप भर्ती हो जाएंगे आप डिपार्टमेंट में अगर भर्ती हो जाते हैं आपकी सैलरी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी और आपका ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाने के लिए एक लेटर सेंड कर दिया जाएगा उस लेटर से आप शोप करेंगे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग आपकी नौ महीने से बारह महीने की हो सकती है और अब जस्ट टू गिव यू अ परस्पेक्टिव आपको एक नज़रिया देने के लिए जी डी एलेवन की जो पोस्ट है इसके अंदर आपकी सैलरी राउंड अबाउट फोर्टी फाइव थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड होती है और क्योंकि ये एक फेडरल का डिपार्टमेंट है वफाक का डिपार्टमेंट है तो आपके अलाउंसेज वगैरह मिला के सैलरी काफ़ी अच्छी होती है तो वी डू रिकमेंड कि आप इस जॉब के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद करें रोल नंबर्स आना शुरू हो गई हैं अब आपने अपने रिटर्न की तैयारी को मज़बूत करना है फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करते रहें अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे कांटेक्ट में रहें हमारे साथ नंबर मेरा नीचे रन हो रहा है इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का अल्लाह हाफिज